ग्वालियर की जीआरपी थाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत रेलवे स्टेशन से एक नाबालिग को, जो कि अब बालिग हो चुका है, 29 जनवरी 2013 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से गायब हुआ नाबालिग नेपाल बॉर्डर के पास देखा गया है, जिसके पास एक टीम तैनात तैयार कर नेपाल बॉर्डर पर भेजी गई, जहां से उक्त युवक को बरामद कर लिया गया। युवक अब्दुल गफ्फार 10 वर्ष पूर्व 2013 में ग्वालियर रेलवे स्टेशन से गायब हुआ था। बरामद युवक की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। फिलहाल थाना जीआरपी पुलिस ने बरामद युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। उक्त बालक के सूचना देने वाले को जीआरपी थाना पुलिस द्वारा 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की गई थी। फिर ये हम लोगों को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये ऐसा बच्चा नेपाल बॉर्डर पर है ना देखा गया है, जिसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हितेश चौधरी सर द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें टीम को रवाना किया गया तो वहाँ पर मधुबनी पहुँचे, मधुबनी के बाद में नेपाल टीम गई, टीम नेपाल पहुँची, फिर वहाँ से बच्चे को दस्तयाब करके ग्वालियर लाया गया।